क्या यार, मैं तो मैथ में फेल हो गई, अब पापा को क्या बोलूंगी। हाँ, काश हमने सारे डाउट्स क्लास में ही पूछ लिए होते। पूछ तो लेते, लेकिन मुझे सर से बहुत डर लगता है डाउट्स पूछने के टाइम पे। मुझे भी। दोस्तों, रिदम और वेरोनिका भी आपके और हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा क्या हुआ होगा कि वो दोनों फेल हो गए? चलो हम लोग आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेके चलते हैं। मम्मी, आप प्लीज मुझे ये वाला क्वेश्चन समझा दोगी? कौन सा? ये वाला। बेटा, ये क्वेश्चन ना थोड़ा ट्रिकी है, इसके लिए मुझे पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, मेरा बहुत टाइम चला जाएगा। तो एक काम करना ना, कल स्कूल में टीचर से पूछ लेना, एक मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, गुड गर्ल, चल। बच्चों, ये टॉपिक मैं दूसरी बार समझा रहा हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, क्योंकि ये सेम चीज आपके एग्जाम में भी पूछी जाएगी। यार, मुझे डाउट तो है, लेकिन अगर मैंने सर से पूछ लिया तो सारे बच्चे मुझ पे हंसेंगे कि मुझे इतना सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, क्या करूं? सर, मुझे एक डाउट है। वेरोनिका, अभी मुझे सिलेबस खत्म करना है, आप अपना डाउट बाद में पूछना, ठीक है? क्या यार, सब बच्चे मुझ पे हंसते हैं, आगे से मैं सर से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगी। वेरोनिका, चैप्टर 3 का फर्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ोगे, चलो स्टैंड अप। क्या यार, मेरे तो इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, और अगर मैंने कोई गलत वर्ड बोल दिया तो सब बच्चे मुझ पर हंसेंगे। वेरोनिका, क्या हुआ, आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो? कम ऑन, स्टैंड अप एंड रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। वन इज अमेज्ड बाय वाटर लिली अनफोल्डिंग। तुम बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं आता, नेक्स्ट टाइम घर से पढ़कर आना। प्रिया, यू रीड द चैप्टर 3 फर्स्ट पैराग्राफ। द नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, आज मैं तुम सबको एक नया टॉपिक सिखाने वाला हूँ। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर, ऐसा कौन सा डॉग है जिसको हम काटते हैं लेकिन वो हमें नहीं काटता? तुम्हारे फालतू सवाल फिर से चालू हो गए, बैठ जाओ। ओके चिल्ड्रेन, मुझे कौन बताएगा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये तो मुझे आता है, नरेंद्र मोदी जी, लेकिन अगर मेरा आंसर गलत हुआ तो सब बच्चे मुझ पे हंसेंगे, क्या करूं, आंसर दूं या ना दूं? चल छोड़, रहने देती हूँ। हाँ प्रिया, तुम बताओ। राहुल गांधी सर। नो, रॉन्ग आंसर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं आदरणीय मोदी जी। ओ यार, ये आंसर तो मुझे आता था, काश मैंने बोल दिया होता। तो देखा आपने कैसे रिदम और वेरोनिका डाउट्स पूछने से डरते हैं, और क्लास में अगर उन्हें कोई टॉपिक नहीं समझ आता तो वो सर से पूछते ही नहीं है। और अगर सर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो दोनों, अगर उनको पता भी होता है तो वो दोनों बोलते नहीं है, ये सोच के अगर वो गलत होगा तो सब बच्चे उन पे हंसेंगे। इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता है? ऐसा क्या करें जिससे स्टूडेंट्स अपने टीचर से इंटरेक्ट करने में डरे ना? चलो ऐसा करते हैं, रिदम की मम्मी से पूछते हैं। आंटी, आपको पता है रिदम क्लास में फेल हो गई है? क्या, वो फेल हो गई? लेकिन उसने तो मुझे बताया ही नहीं कि रिजल्ट आ गया। आंटी, वो टीचर से डरती है। वो सर से डाउट पूछने से डरती है, और जब सर उससे कोई क्वेश्चन पूछता है उसे आंसर पता होता है पर फिर भी जवाब नहीं देती है वो। लेकिन रिदम ने तो मुझे कभी बताया ही नहीं इस बारे में। रिदम, इधर आओ बेटा। हाँ मम्मा। इधर बैठो। बेटा, आपको टीचर से अपने डाउट सॉल्व करवाते हुए डर लगता है? इसमें डरने की कोई बात नहीं है बेटा। देखो, पहली बात, क्लास में ध्यान से सुनो, आपको कोई डाउट होगा ही नहीं अगर आप फोकस करके सुनोगे। दूसरी बात, अगर आपको डाउट है, उस समय कोई बात समझ में नहीं आई, इमीडिएटली हैंड रेज करो और टीचर से पूछो, मैम आई डिडंट गेट दिस, शी विल रिपीट इट। ओके। पॉइंट नंबर 3, घर आने के बाद रोज के टॉपिक रोज रिवाइज करो, जो भी डाउट होंगे तभी उनके पॉइंटर्स बना लो,
नेक्स्ट डे मैम से तभी पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चौथी बात, आपको टीचर को अप्रोच करते हुए डर लगता है। बेटा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे हंसते हैं इग्नोर देम, बच्चे हंसते हैं टाइम पास करने के लिए। इसका ये मतलब नहीं है उनको सब कुछ आता है और तुम्हें कुछ नहीं आता। तुम्हारा फोकस सिर्फ अपनी लर्निंग पे होना चाहिए। आप सीधा टीचर से पूछो, मैम ये पॉइंट हमें नहीं आता, आप समझा दो, मैम समझाएगी। अगर किसी वजह से उस समय नहीं समझाएगी तो फ्री पीरियड में या नेक्स्ट पीरियड में या कभी और समझाएगी, समझे? और हाँ, हमेशा क्लास में जब भी टीचर इंटरेक्ट करे उसमें पार्टिसिपेट करो। उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। भले ही आपका आंसर गलत हो लेकिन यू विल फील कॉन्फिडेंट कि हाँ आपने ट्राई तो किया, समझे? उससे आप कभी अपनी बातें भूलोगे नहीं, समझे? घबराते नहीं है, बी कॉन्फिडेंट। Hey friends! अगर आपको कभी भी अपने टीचर से कुछ बात करनी हो तो घबराओ मत, बिंदास बोलो। I'm sure आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को करें लाइक और ऐसे और भी इसके चैनल में सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।